या इलाही बख्श दे सैयद को रोजे हश्र तो। एक भाई का सवाल ये है कि इमाम साहब ने दाढ़ी का कलर काला कर रखा है तो क्या अब इनके पीछे नमाज हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। दाढ़ी या बालों का कलर को काला करना यानी ख़ासकर काला करना तो ये तो नाजायज़ और गुनाह और हराम वाला काम है। हदीस पाक में इसकी बहुत सख्ती के साथ ममानियत फरमाई हुजूर ने कि जो बालों को काला करते हैं जैसे कबूतर के और मुर्गे की तरह जो उनके काले निशान होते हैं सीनों पर, इस तरीके से अगर जो ये बालों को काला करते हैं ये जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएंगे, उसमें जाना तो यानी दूर की बात है। तो इसलिए ये काला करना नाजायज़ और गुनाह का काम है और ये एक किस्म से जो है ना धोखा देने वाली भी बात होती है। अब इसकी जायज़ सूरत अभी फ़िलहाल मौजूदा दौर में तो नहीं है कि जो इसकी जायज़ सूरतें, उलमा अगर किसी को जायज़ सूरत निकाल कर दें किसी ऐसी परेशानी मजबूरी की वजह से कि जैसे कोई खातून है या उसको परेशानी है रिश्ता नहीं होता और उम्र से पहले बीमारी की वजह से बाल सफ़ेद हो गए और उम्र लेकिन उसकी नहीं है बुढ़ापे वाली, उम्र वही है मान लीजिए 25 साल लेकिन उसके बाल ज़्यादा सफ़ेद हो गए बीमारी की वजह से कि जिससे वो 30-40 की लगने लगी, तो अगर उसमें कोई सूरत उलमा निकाल के दें कि उसके निकाह में रुकावट आती हो या इस वजह से रिश्ते टूट जाते हों तो अलग बात है वरना नहीं है। और वो जो जैसे सहाबा इकराम बालों को काला किया करते थे वो उस वक्त का जो टाइम था वो जंग के लिए था, यानी अगर कहीं जंग पर जाना पड़े तो दुश्मन पर हैबत के लिए कि उसको ये सामने नज़र ना आए कि बंदा जो है वो एज का ज़्यादा है, इसलिए उस वक्त में काला करने की इजाज़त थी। और वहाँ कुछ ऐसे बहुत सारे काम करने की इजाज़त होती है जंग के मैदान में कि जो आम हालात में या नॉर्मल हालात में करने की इजाज़त नहीं होती, जैसे मूछों को बड़ा करना एक हैबत तारी करने के लिए दुश्मन पर खौफ के लिए ताकि बंदा एक थोड़ा देखने में ऐसा लगे कि जिससे सामने वाला दुश्मन खौफ आए, मूछें बढ़ाना या नाखून बढ़ाना, तो ये सब इजाज़तें उस वक्त में उस दौर के लिए होती हैं यानी फ़तेह पाने के लिए। लेकिन अभी इस दौर में इसकी कोई ऐसी ज़रूरत नहीं कि किसी के बाल सफ़ेद हो वो काले करें, इस्लाम में इसकी जो है ना इजाज़त नहीं है ख़ास तौर से काला करने की। तो जो इमाम वगैरह ऐसा कर रहे हैं जायज़ है कि वो गुनाह कबीरा भी है और ये लोगों के सामने इसका इजहार भी है, तो ऐसे शख्स को कि जो ऐसा गुनाह लोगों के सामने जिसका गुनाह ज़ाहिर हो बिल्कुल अलल ऐलान हो तो ऐसे शख्स को इमामत के मसले पे फाइज नहीं किया जा सकता, यानी ऐसे शख्स को इमाम नहीं बनाया जा सकता कि जिसका गुनाह लोगों में बिल्कुल ज़ाहिर हो। अब ये कि अगर इमाम साहब तौबा कर लें, इसको समझाया जाए या किसी दूसरे मस्जिद के आलिम के ज़रिए से इनको समझाया जाए और ये ऐलानिया इसकी तौबा कर लें लोगों के अंदर, तो फिर इस सूरत में इनकी इमामत बाकी रह सकती है। लेकिन बेहतर ये है कि तौबा करने के बाद भी इसके ऊपर ये मेहंदी वगैरह से कलर को इसके चेंज करने की कोशिश करें, क्योंकि हर नमाजी जो कोई मुसाफिर नमाजी भी होते हैं मस्जिदों में जो एक दूसरे के इलाके से आए हुए होते हैं तो उनको उस तौबा की कोई ख़बर नहीं होती, तो बदगुमानी का शिकार बन जाएंगे फिर वो जब देखेंगे कि यार इमाम ने जो है ना दाढ़ी का कलर को काला किया हुआ है। तो अगर इमाम साहब की दाढ़ी का मसला है वाकई सफ़ेद का तो नेचुरल कोई ऐसी चीज़ें अपनाई जा सकती हैं, दवा वगैरह या दूसरी कोई चीज़ें कि जिससे बाल काले हो जाएं, खाने की हो या लगाने की हो जिससे बाल काले हो जाएं लेकिन काला रंग ना हो, लगाने में कोई दूसरी चीज़ें हो। मिसाल के तौर पर अगर कोई आमले रीठे का पाउडर या कहते हैं कि प्याज वगैरह का रस लगाने से या दूसरी जो भी चीज़ें हों तो उसको लगाने या खाने के ज़रिए या इलाज या ज़ुकाम की परेशानी ज़ुकाम सही होने के ज़रिए से अगर वो बाल काले निकल जाएंगे तो उसमें कोई मसला नहीं है, यानी वो जायज़ है और इसके लिए कोशिश करना भी जायज़ है कि अगर बाल काले हो जाएं किसी के ज़ुकाम की वजह से थे सफ़ेद और वो खाने पीने या दवा के ज़रिए से उसको वापस नॉर्मल करना चाहे, लेकिन ये जो है ना काले करने वाले ये नाजायज़ और गुनाह है। और ऐसे शख्स को अगर ये तौबा ना करे या इसकी आदत हो दाढ़ी में काला कलर या बालों में काला कलर लगाने की तो इसको इमामत से हटा दिया जाए, किसी और शख्स के बारे में गौर व फिक्र करना चाहिए कमेटी को अगर समझाने के बाद नामा।
और एलानिया तौबा करने के बाद इमामत करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये आम आदमी के लिए भी एक कलर का मसला, काले को छोड़ के दूसरे अगर करना चाहें कर सकते हैं, जैसे कि आजकल रेड वगैरह में या इस तरीके के, जो फांसी को वाले बेहुदा ना लगें तो इसको लगा सकते हैं। और बेहतर ये है कि मेहंदी लगानी चाहिए कि इसका सर पे लगाने से अक्ल में भी इजाफा होता है, हुस्न में भी इजाफा होता है। कब से अपनी खताओं का शुमारा